नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक सिंपल सी आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है, जिसको आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू की ये रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आधी चम्मच यहाँ पे मैं 5 फोरन ले रही हूँ। इसमें सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, जीरा सब है। 5 फोरन डाल दिया। दोनों चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें मैं तेल में डालूँगी मैं अदरक और हरी मिर्च को पीस के रखा है। ये अदरक और हरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए आलू को मैं ऐसे में काट लिया है। ये आलू डाल देंगे। क्वांटिटी आप लोग आप लोगों को हिसाब से देना। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के आलू लिया है। अच्छी बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगे। के 2 से 3 मिनट इसको कुक होने दूंगी। 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद देखिए एक बार खोल के देखते हैं। देखिए आलू काफ़ी नरम हो चुका है। अभी इसमें मैं और कुछ ड्राई मसाला मिलाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, प्लेन सॉल्ट लिया है और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट लिया है। सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। और भी चटपटा स्वाद के लिए देखिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर इसमें मिला दिया है। बहुत ही जल्द बन जाता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरी पराठा सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला ले लिया है, वो भी ऐड कर दिया है इसमें। अच्छी तरह से सारे चीज़ों को मिला देंगे। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी को। मैं ड्राई रोस्ट करके रखा था, आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, वो भी डाल दूँगी। सारे चीज अच्छी तरह से मिल चुका है। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच के करीब चीनी भी ऐड कर रही हूँ। ये आप लोग चीनी पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, खट्टा मीठा तीखा। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अभी इसको ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट कुक होने देंगे। 7 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तीखा तीखा खट्टा खट्टा। देखिए आलू प्रॉपर कुक हो चुका है। गैस बंद करके इसको सर्व कर देते हैं।